आगे है क्वेश्चन नंबर 12। अ सैटेलाइट इज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8,000 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है जिसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना है, और उसका जो सर्कल है उसका रेडियस अपने को 8,000 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज बात एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करेंगे अपन कि कई बार अपने को सैटेलाइट की हाइट दी रहती है, और हाइट कहाँ से नापोगे भाई, सरफेस से नापोगे। पर यहाँ पर क्या दिया है कि जिस सर्कल में वो सैटेलाइट घूम रही है उस सर्कल का रेडियस 8,000 किलोमीटर है, यानी कि इस सैटेलाइट की हाइट 8,000 किलोमीटर नहीं है। जैसे समझो इस बात को, ये मान लो अर्थ है और ये सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट घूम रही है सर्कल में, तो इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ 8,000, यानी कि इस सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से दूरी अपने को 8,000 दी हुई है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कल एट अ हाइट ऑफ 8,000 किलोमीटर, तो फिर क्या होता, यहां पर कहीं पर सैटेलाइट होती और ये डिस्टेंस होती 8,000 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाती 8,000 प्लस 6,400। पर यहां पर क्या है, अपने को सीधा सेंटर से लेकर डिस्टेंस दे रखी 8,000 किलोमीटर। अब फिलहाल मैं इस डिस्टेंस को सिंपली आर मान लेता हूँ, ये ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखेंगे। व्हाट विथ व्हाट स्पीड शुड दिस सैटेलाइट बी प्रोजेक्टेड इनटू ऑर्बिट, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, टेक जी एट सरफेस इक्वल टू 9.8 एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6,400 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछा ये है कि अगर मेरे को इस सैटेलाइट को इस सर्कल में रिवॉल्व करवाना है तो मैं कितनी स्पीड से इस सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करूं। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिट में जाते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गए, और उस सैटेलाइट को ऐसे वेलोसिटी दे के प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर वो सर्कल में घूमते रहती है। तो मान लो हमने वेलोसिटी वी दे दी, तो ये वेलोसिटी हो गई वी। ठीक, अब अगर इसको सर्कल में घूमना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई। यहां पर जो ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी, वो किसके बराबर होना चाहिए, mv² / r के बराबर। इस पार्टिकल के लिए मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, एफ विल बी इक्वल टू एम ए। एफ कौन सा है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और यहां पर फोर्स वो कौन सा है, ग्रेविटी वाला, ये। ठीक है, और इस इसको एफ जी लिख लो, और एफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जी कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम यानी कि मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय इस आर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सर्कल में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v² / r। ठीक, एम तो एम कट गया, ये आर और ये वाला आर कट गया, और वी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब अगर वैसे कुछ लोगों को ये फॉर्मूला भी याद रहता है सीधा, इसको ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला बोलते हैं, अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इतना तो करना ही नहीं है, सीधा यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले में सिंपली अपने को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। कैसे, देखो इसको मैं r² से और r² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जो जी एम बाय r² है ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 इंटू आर का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर विच इज 6,400 किलोमीटर, यानी कि 64 × 10^5 मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये वाले डिस्टेंस है जो कि अपने को क्वेश्चन में 8,000 दे रखी है, तो 8,000 किलोमीटर यानी कि कितना मीटर होगा, इसका भी अंडर रूट सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा।